हेलो स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर 20 क्लास 11। चैप्टर नेम है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इन लास्ट टू और थ्री वीडियोस हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और उसी से रिलेटेड हमने उसमें उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। और उसके बाद में हमने उसका कैपिटल का मीनिंग पढ़ा था, कैपिटल के फीचर्स पढ़े थे, कैपिटल का क्या नाम है उसके एग्जांपल्स पढ़े थे। अब हम बात करते हैं अबाउट द रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली क्या है? रेवेन्यू मीन्स यहाँ पर है कि वो हमारा सेल्स या वो अमाउंट जो कि हम किसी भी गुड्स को सेल करके इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है, वो हमारी रेवेन्यू कॉल की जाती है। ठीक है, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा कि कोई भी बिजनेसमैन है, जब अपना वो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस सेटअप करता है, और बिजनेस सेटअप करने के बाद में जब या पर वो मैन्युफैक्चरिंग में है या वो ट्रेडिंग में है, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का उसका बिजनेस हो या ट्रेडिंग का बिजनेस हो, दोनों में से किसी भी बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, तो वो क्या करता है, अगर वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर गुड्स को परचेज करेगा, उसे उठा करके रीसेल कर देगा, और उससे जो अमाउंट जनरेट करेगा आएगा, जो अमाउंट उसके पास में आएगा वो कॉल किया जाएगा रेवेन्यू। इसी तरह से अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो उसमें क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसको मैन्युफैक्चर्ड करेगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, आफ्टर दैट तब वो उसको उठा करके मार्केट में सेल आउट करेगा, तब वो उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या, सेल्स ब्रेक या सेल्स टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी हम सेल्स टर्नओवर कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स कॉल्ड द रेवेन्यू। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि ये जो सेल्स टर्नओवर हम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली सेल्स टर्नओवर हो जा रहा होगा, उस पर हम कोई भी खर्चे वगैरह नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई भी हमारे एक्सपेंसेस नहीं हो रहे होंगे। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो या फिर हम ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, दोनों ही प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। किससे? बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती है जिनके बेसिस पर जा करके हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर, मान लो हमारा जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमने क्या नाम है फिनिश गुड्स परचेज किया, परचेज करके लाएंगे अपने गोडाउन्स में रखेंगे, उसके बाद में हम उठा करके उसको थोड़ा 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 करके मार्केट में सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो उस इन सारी चीज़ों के बीच में जो जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे हमारे कॉल्ड किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसमें उसको उस मैनेज करना है हमें, उसके साथ साथ में डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ साथ में हमें उसको सेल आउट करने तक के एक्सपेंसेस ओवरऑल मैनेज करने हैं, तो ये जो दोनों एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं, तो उनको उठा करके हमें कहाँ पर मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर, जब हम बेसिकली पहले सबसे पहले हमारा जनरलाइजिंग करेंगे, जनरलाइजिंग के बाद लेजरिंग, लेजरिंग के बाद ट्रेडिंग पी एंड एल, और सॉरी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पी एंड एल एंड देन बैलेंस शीट, तब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। ये हर बिजनेसमैन करता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, ये प्रोसेस सभी को करना होता है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट या इस तरह की, क्योंकि उसको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन फाइंड आउट करनी होती है। तो कहने का मीन सिंपल सा यहाँ पर क्या, हम अभी सिंपल सा बात कर रहे थे अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अभी मैंने बताया था, इसी तरह से हमारा सेम प्रोसेस रहता है इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी यही रहता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करके उसको क्या नाम है लेकर आएंगे, लेकर गोडाउन उसमें रखेंगे, स्टोर्स में रखेंगे, स्टोर्स के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो हमारा जब मैन्युफैक्चर शो करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तब उसे उठा करके मार्केट में सेल आउट करेंगे। इन सारे प्रोसेस के बीच में रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर के और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से लेकर के मार्केट में सेल आउट करने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल किए जाते हैं। जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट में मेंशन किए जाते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन सारे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए हमें बिजनेस के जो टर्नओवर्स है हमारा सेल्स टर्नओवर है, उस सेल्स टर्नओवर को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स को करना पड़ता है, तो उन्हीं एक्सपेंडिचर्स को हम कॉल करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इसमें कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मीनिंग एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ
which is received during the current year itself is termed as revenue expenditures. मतलब कहने का मीन्स क्या कि कोई भी ऐसा खर्चा किसी भी पार्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है और उसका बेनिफिट भी हम उसी ईयर में ले रहे हैं वो हमारा कॉल्ड किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिंपल सा कहने का मीन्स कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर हमने ऑक्ट्राय दिया, उस पर हमने फ्रेट दिया, उस पर हमने क्या नाम है फैक्ट्री में लेकर आए, उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, उस पर हमने फ्यूल खर्च किया, क्या नाम है उसका फैक्ट्री की लाइट एक्सपेंसेस, वेजेस दी, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस किए और उसके बाद में हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने गोडाउन में लेकर गए, उसको गोडाउन में रखा, वहाँ पर हमारे जो स्टाफ होगा उसको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की. ये सारे खर्चे जितने भी हमारे हुए ये सारे के सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू को डिफाइन करेंगे. अब इसमें से कुछ हमारे एक्सपेंसेस जो है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे और कुछ एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे. ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या, अब ये जितने भी एक्सपेंसेस किए उस हमने उस पार्टिकुलर ईयर में एक्सपेंसेस किए जिस ईयर में हम वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. रेवेन्यू जनरेट अभी जैसे मैंने बताया था, रेवेन्यू मीन्स यहाँ पर सेल्स टर्नओवर, जो हमारी ड्यूरिंग द ईयर सेल्स बनती है वो हमारा रेवेन्यू को डिफाइन करता है. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा एक्सपेंसेस बनकर आएंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस. एज सच ऑल दीज द रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसा अभी मैंने बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रिलेटिंग टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो हमारे कहाँ पर पोस्टेड किए जाएंगे, आफ्टर जनरल एंड लेजर ट्रायल्स डायरेक्टली इन टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं लॉस से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए इसको इसमें मेंशन किया गया कि कुछ हमको उनको डेबिट करेंगे. अब दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस हमारे ऑलवेज डेबिट होते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है सच एक्सपेंडिचर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ इंक्रीजिंग ऑफ द अर्निंग कैपेसिटीज ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी. मतलब सिंपल सा कि ये जो एक्सपेंसेस हम करते हैं या जो एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं ये एक्सपेंडिचर्स हमारी कोई भी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, लेकिन इनके करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है या ये इनके करने से ये जितने भी एक्सपेंसेस बनेंगे करेंगे ये हमारी उस एग्जिस्टिंग जो भी हमारी बिजनेस की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं. मतलब सिंपल सा कि हमारे किसी चीज़ में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारा सिंपल सा क्या है कि किसी चीज़ को इंक्रीज नहीं कर रहे, ना ही इसमें किसी की चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी. यहाँ पर सिंपल सा क्या होगा, वहाँ पर हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही थी, जितने हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेंगे उतने ही हमारे एसेट्स इंक्रीज करते जाएंगे. लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं उसमें बिजनेस को टर्नओवर्स करेंगे तो टर्नओवर्स में हमें एक्सपेंडिचर्स करने ही होंगे. तो ये केवल हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा वो करने में. सिंपल सा जितनी भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी होगी उसको हेल्प करेंगे. ठीक है, बट उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हमारे मैंने अभी जैसे बताया था कि उसमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ में हमारे एसेट्स को भी इंक्रीज करेंगे. क्योंकि जब जितनी हमने एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो उतने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सीधे सीधे से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी इफेक्टेड करते, मतलब उसको बिजनेस को भी इफेक्टेड करेंगे. किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन द कैपिटल, सॉरी इंक्रीजिंग इन द एसेट्स. जैसे हमारा अगर हमने लैंड परचेस किया तो लैंड की से हमारी एसेट्स बढ़ेगी, बिल्डिंग परचेस की तो बिल्डिंग से हमारी एसेट्स बढ़ेगी, मशीनरी परचेस की तो मशीनरी से हमारी एसेट्स बढ़ेगी. इस तरह से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उस कंडीशन में हमारा एसेट्स भी इंक्रीज करेगी, बट इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे गुड्स में इंक्रीजिंग होगा, गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी. लेकिन गुड्स ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं सिंपल हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का. अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के फीचर्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है, जैसे जबकि हमने उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है उनको हम जब
हमारी कोई भी एसेट्स वगैरह वो यूजलेस हो गई, उसको उठा करके अगर हम बेच देंगे मार्केट के अंदर सेल आउट कर देंगे तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बट जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम कैश में कन्वर्टेड नहीं कर सकते। कैश में कन्वर्टेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सिंपल से हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है या हमारा गुड्स का ट्रेडिंग करनी है तो दोनों ही केसेस में हमें उनको लेकर के चलना होता है, वो एक्सपेंसेस हमें करना ही है। विदाउट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स हमारा बिजनेस में ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए इस तरह के एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं। ठीक है, अगर हम वो एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे उनको हम कैश में कन्वर्टेड कर सकते थे जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे, उसके बाद में हमने उसकी स्क्रैप्स वगैरह या जो भी बिल्डिंग वगैरह है, फर्नीचर है या लैंड है, इनको उठा करके बेच दिया तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें वो दे करके जाएंगे जिससे कि हमारा कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा दोबारा से। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले आगे हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज ऑफ टेम्प्रेरी नेचर्स। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे किस तरह के होते हैं, वो हमारे टेम्प्रेरी नेचर्स के होते हैं, मतलब कि आज है कल नहीं होंगे, उनका मतलब आज फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा कि आज तक अगर हम इस साल में काम कर रहे हैं 2020-21 में काम कर रहे हैं तो 2020-21 में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा जब तक कि वो गुड्स को सेल आउट नहीं कर देते। जैसे ही गुड्स सेल आउट करेंगे उसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब सॉरी उसकी अपना वजूद खत्म हो जाएगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मतलब कि उसके यहाँ पर हम फिजिकली इसको लेकर नहीं चल रहे, लेकिन कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है अपना वजूद है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट्स बेनिफिट्स इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो केवल करंट ईयर में रिसीव्ड होते हैं। ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर्स कैन नॉट बी सीन। इन एक्सपेंडिचर्स को जैसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम सीन कर सकते थे, इन एक्सपेंडिचर्स को सीन नहीं कर सकते। आगे कह रहा है दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस जो हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं और उसको कॉल करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ द रिकरिंग नेचर्स, ये एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर्स के होते हैं। एंड आगे कह रहा है इट इज इनकस फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। ये जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं। ये इसके ओवरऑल फीचर्स डिफाइन कर रहे हैं। इट इज शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको कहाँ मैंशन किया जाता है, इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे कह रहा है इसके एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई भी हमने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट को डिफाइन करना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पर क्लियर होता है। ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बताते हैं। आगे कह रहे हैं एक्सपेंसिस इनकर्ड इन द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ रिकरिंग रनिंग द बिजनेस, दैट इज रेंट सैलरी वेजेस एक्सेट्रा। जैसा अभी मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, और अगर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है तब भी हमारे इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं जो कि हमारे दो पार्ट से रिलेटेड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और दूसरा पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो पी एंड एल से रिलेटेड होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंडिचर इनकस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जो हमारा गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लेकर के हम तैयार। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो दोनों ही एक्सपेंडिचर्स हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स स्मूथली रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने ही होंगे, विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर सकते, और विदाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का करना कंपलसरी है। विदाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, क्योंकि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ही वो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। सिंपल सा जैसे अभी उसमें एग्जाम्पल दिया था हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
किसी भी गुड्स को सोल्ड करने के लिए। अभी मैंने बताया था रेवेन्यू क्या होता है, हमारी सेल्स होती है। अब उस सेल्स को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल्स को जनरेट करने के लिए हमें उस सेल्स में कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जो हमारी कॉल्ड की जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरह से हमारे ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इनको डिफाइन किया जाएगा।